सबसे पहले जो फिल्म में आपका थोड़ा रोल के बारे में जानना चाहिए शिवराज में। बलराम भार्गव जी जो साइंटिस्ट है हमारे और जो पूरे टीम के मुखिया थे, तो उनका किरदार निभाया मैंने। हालांकि उनको पहले मैं मिल नहीं चुका था, उन्होंने मुझे विवेक जी ने पूछा कि मिलना पर अच्छा हो गए, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि उतना वक्त नहीं था। क्या है, किरदार जिनका निभाते हैं उनके साथ अगर वक्त गुजारने का मौका मिलता है तो अपने अंदर ढाल सकते हो उनको, लेकिन उतना वक्त नहीं था। मैंने कहा तुम जितना मुझे कहोगे वैसा मैं करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मिलूँगा मैं, तो मिला नहीं। तो उस दिन हमारी ट्रायल हो गई, तो उनको बुलाया था सभी साइंटिस्ट को, तो मैं नीचे खड़ा था। ख़त्म होने के बाद आए बलराम जी और आंसू भरी आंखों से मुझे कह रहे थे कि आपने कैसे उबाऊ किया। मैंने कहा क्रेडिट गोज़ टू विवेक, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया वैसे मैंने किया। अब देखते हैं, क्योंकि ये इम्प्रोवाइज करने की फिल्म नहीं है, ये बड़ा तकनीकी मामला था और उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट वो जो बुना है विवेक ने, बहुत कमाल के तरीके से बुना है उसने। नहीं तो वो एकदम फ्लैट हो जाती थी, पूरा टेक्निकल होता तो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ब्लेंड किया है और मुझे बड़ा फख्र होता है कि इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। क्यों, ये फिल्म किसी इंसान के बारे में नहीं है, ये पूरे हमारे भारत देश के बारे में है और हमारी गर्दन इतनी ऊंची हो गई इस वैक्सीन की वजह से। और वो जो इन्वेंट करने वाली जो है 70% हमारी महिलाएं हैं, तो हमें इतना बड़ा नाज है इन पर। आप देखोगे तो पता चलेगा, मैं वो तो नहीं बताऊंगा किस तरह की फिल्म है, लेकिन आम जैसे औरतें होती वैसी ही, लेकिन एक अहदा है साइंटिस्ट का और वैसे जाके उन्होंने कैसे एडमिट किया, किस किस दायरे से गुजरे हुए। लंबे समय के बाद आपने कमबैक किया है, तो इस बारे में थोड़ा क्या? कमबैक की बात नहीं है, जब तक अच्छा कुछ नहीं लगता तो क्यों करे भाई, जो सही लगता है। अब बार बार खाना खाते हैं भूख लगने के बाद, और भूख हमारी कुछ अलग कुछ हो। मैं सच कहता हूँ इस फिल्म का एक हिस्सा बनना यही एक बड़ी बात है, बड़ा सुकून मिला ये करते हुए। और ये जब नहीं कर रहा था तो पैंडेमिक के दरमियान काफी काम था हमको, सबको, आप सबके लिए बहुत काम था। बहुत सी एनजीओज काम कर रही थी, हमारी अपनी एक एनजीओ है नाम फाउंडेशन, उसके जरिए बहुत कुछ काम करने की कोशिश की। तो ऐसे नहीं कि हम चुप बैठे थे, कम बैक यहाँ नहीं थे तो वहाँ थे, और उस वक्त तो वहाँ बहुत रहना ज़रूरी था। हर एक की अपनी अपनी जितनी औकात थी उतने दायरे में रह के कुछ करना बहुत ज़रूरी था, और हर एक ने किया है, वो आपने भी किया होगा, सभी हम उस दायरे से गुजरे हैं, इतना कठिन काम वक्त था। तो हाँ बेटे, सर मेरा एक सवाल है, मेरा नाम अश्विन है, हिंदी खबर टीवी से हूँ। सर ये एक जिस तरीके का रोल आप निभा रहे हैं तो स्क्रिप्ट आई हुई, तो क्या ऐसा देख के आपने हाँ बोला? दूसरा सवाल इसी में सर, प्रहार से लेके अब तक के नाना पाटेकर अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? नहीं देखो, एक तो मैं, मेरी पहचान क्या है, सो मैं भारतीय हूँ, बस ये मेरी पहचान है। और ये फिल्म है हमारे भारतवासियों की, हमारे वो साइंटिस्ट लोगों की जो इतने बड़े हीरो हैं और उनके बारे में कुछ बोला नहीं जाता। हम नाम आमतौर पे खिलाड़ी है, फिल्म वाले लोग हैं उनके बारे में, लेकिन हमारे ये जो है बंदे, हमारी आर्मी है, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे साइंटिस्ट, इनके बारे में कुछ बोला नहीं जाता ज़्यादा। खैर आर्मी और इनका तो हमें पता भी चलता है, साइंटिस्ट तो बिल्कुल, हम बिल्कुल अनभिज्ञ है उनके बारे में। तो ये जो है बात, ये तो पहले मुझे, और जिस तरह से कहानी बुनी है, जैसे मैंने अभी कहा, और वो देखने के बाद यार मैं कुछ बातें बता नहीं सकता, लेकिन प्रहार और आज क्या होता है,
प्रहार के वक्त तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ तो पीढ़ी की पीढ़ी बदल जाती है, सोच बदल जाती है, प्रायोरिटीज तुम्हारी जो है वो बदल जाती है। मोबाइल थे नहीं उस वक्त, कुछ नहीं था, हर कोई एक चीज बदल गई। तो अब आज मैं प्रहार करूं तो भी कहानी वही है। तो मैं कभी कभी मुझे कहते हैं कि आपने प्रहार बहुत पहले बनाई थी, मैंने कहा ऐसी बात नहीं, जो जहन में आया जैसे रास आया वैसे हमने किया, लेकिन एक सीमित इसमें आप अपने आप को रख नहीं सकते। मैं 50 साल तक यहाँ हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं बदलता रहा। अगर तुम बदलोगे नहीं तो तुमको बाहर निकाल देंगे। तो बदलने की वो जो एक प्रक्रिया होती है तो होती है, होना ही चाहिए। जैसे तू वही आम सवाल करते रहेगा वही सब जगह सबको, तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा कौन है, वो किस दायरे से गुजरा है, उसकी अहमियत क्या है, तो उस हिसाब से तुम्हारे सवाल भी बदलते रहते हैं। तो वैसे मुझे लगता है कि वो कलाकार में उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपने आप को बदलता रहे। मैं समझता हूँ कि मेरी पहचान ही एक्टर, मैं अभी मैंने बोला प्रेस में कि नाना पाटेकर एक्टर करके उसकी पहचान है, लेकिन मेरी पहचान है भारतीय। और ये सभी देश के बारे में जब कोई कहता है ना, तो मुझे देश के आगे मुझे कोई, मैं मंदिर नहीं जाता, मेरे लिए मेरा देश, मेरे देशवासी जो है उनके लिए तो मेरी कहानी है। आपने जाके पीछे जाके देखो, आप जो भी फिल्में की है उस फिल्म के जरिए मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, अपने जितनी औकात है उतने में करता हूँ। थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाहूंगी, पहले तो वेलकम टू दिल्ली, और आपसे मेरा सवाल ये है कि आपका, मैंने एक इंटरव्यू देखा था जब आपने कहा कि वेलकम वालों को शायद लगा कि मैं पुराना हो गया हूँ, और इन्हें शायद लगा, Let's talk about vaccine. This is just about you. All I want to know is कि कलाकार का relevance वो कौन decide करता है इस industry में? आप लोग करते हैं, public करती है। आपको अच्छा मैं लगा तो आप मुझे देखने आएंगे, आपको नहीं अच्छा लगा तो नहीं देखने आएंगे। तो मैं निर्भर होता हूँ तो लोगों को कैसे लगता हूँ। अब हालांकि वेलकम ये तो कहीं मेरा जॉनर था नहीं, मैं अपने टटोलने के लिए अपने आप को, मैंने आनिस ने कहा तो मैंने कहा चलो देखते हैं ये भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अब मुझे तो मालूम नहीं था ना, वो बिल्कुल अलग तरीके का था। सर आई एम फ्रॉम दैनिक सवेरा, क्योंकि सर इस मूवी के अंदर मतलब ये भी देखने को मिलेगा कि जब देखी तूने फिल्म, अभी नहीं देखी है आपसे सर कि मतलब एकदम लॉकडाउन लग गया, अर्थव्यवस्था एकदम, और लोग काम धंधे रुक गए, प्लान करने लगे, तो ये सब कुछ भी है क्या? सर देख तू देख ले, एक टिकट कटवा ले यार, क्या फर्क पड़ता है तेरे को? देखूंगा। नहीं नहीं वो देख ले तू, ये मैं सिर्फ वो पैंडेमिक है, वो ये लॉकडाउन है, फिर ये है, फिर वो नहीं है। तू देख उस वक्त तेरे मेरे दिमाग की सबकी जो हालत थी वो, और उसका ब्लेंडिंग, और उसके बाद वो उसकी इन्वेंशन जो करना है, मालूम नहीं अंधेरे में तीर मारना था यार, मालूम ही नहीं किसके साथ लड़ना है, मारोगे कहाँ, बंदूक मुंबा है नहीं, मारना है किसको वो मालूम नहीं है, बंदूक भी तैयार करनी है, उसको मारना भी है, बहुत बहुत मुश्किल काम था। और तुम देखो यार हमारे यहाँ क्या काम किया है सभी बच्चों ने, इतना बेहतरीन काम किया, बहुत कमाल का काम किया। और ये फिल्म जब क्या होता है, फिल्म करने का मकसद एक होता है, तुमको क्या चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसे चाहिए, तो लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई है तो कल हमारा भारत कहाँ था, और आज देखो हमारा चंद्रयान शुरू हो गया, हमारा ये हमने अपने बलबूते पे इन्वेंट किया, तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए हमें, तो इससे बड़ी क्या और क्या पहचान होती है। हम जाएंगे तो ऐसे गर्दन ऊंची करके जाएंगे ना, कहीं भी परदेश जाएंगे तो हमारी उस वक्त कितनी इज्जत होगी, और इज्जत किसकी वजह से होगी, तो इन लोगों की वजह से। सर इस फिल्म में साथी कलाकार के साथ केमिस्ट्री कैसी रही सेट पे? इस पूरे फिल्म के दौरान सेट पे सर, जो आपके साथी कलाकार हैं जो इस फिल्म में, उनके साथी ऐसे नहीं था, सब एक ही थे, मैं एक जो कुछ बात कहूं उसका एक्सटेंशन ये था, इट वाज काइंड ऑफ अ रिले, बैटन तुम्हारे हाथ में दिया तू दौड़ने लगा, उसके हाथ में दिया वो दौड़ने लगा, वैसे वो शुरू है, ऐसे अलग अलग है ना, एक कंबाइंड एफर्ट था पूरा। और हमारे पास सबसे बड़ी अच्छी बात क्या थी, पूरा का पूरा ऐसे हमको थाली में परोसा था विवेक ने, इतना रिसर्च कमाल का किया पूरी टीम ने, उसने सभी ने बहुत बड़ा काम किया, तो हमको ऐसे ऐसे मिला, तो वो खाना ही था हमको सिर्फ,
हजम करने की ताकत होनी चाहिए थी, उतनी हमने कमाई थी उस वक्त। सर कोरोना में जो है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा वो जानना चाहिए। और जब वैक्सीन आ गई थी तो उस समय का क्या दिया? नहीं, हमारा हम गांव खेड़े में रहते हैं तो मैं तो बड़ा महफूज था वहाँ हमारे फार्म पे। लेकिन जब बाहर के हालात देखने के बाद, हमारी एक फाउंडेशन है नाम फाउंडेशन, उसके जरिए हमने काम शुरू किया। अब वो बताएं हम के क्या काम किया, वो क्या है, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो काम था नहीं है, वो तुम्हारी कर्तव्य था, तुम्हारा वो करना ही चाहिए था। मुझे 4, 5, 6, 7 बार हो गया कोरोना। हालांकि मैं एक ही दिन अस्पताल में था, लेकिन वो एक दिन ऐसे लगा मौत के बराबर लगा मुझे। वो सब बाकी के लोग आते थे पहन के, मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा भाट में जाए, हम जाते हैं घर। और मैं घर गया, फिर मैं आकर अपने घर में रहता था, शहर का घर था, उसमें फार्म पे नहीं गया। बेटा मेरा डिब्बा लेके आता था, दरवाजे के बाहर रखता था। लेकिन वो उस वहाँ से मतलब ना बहुत घिनौना था वो ऐसे लगता था कि हम है ही नहीं कोई, कोई किसी के अपने गुजरे तो उनका वो क्रियाक्रम तक नहीं कर पाए। तो ये समझते हो तुम यार क्या लगा होगा उनको। अच्छा सर, वैक्सीन जैसे आया था काफी सवाल उठ रहे थे उस पर, तो क्या फिल्म में ऐसे भी देखने को मिलेगा क्या, क्या, क्या? वैक्सीन जब आया था तो उस समय जो काफी सवाल उठ रहे थे, तो क्या फिल्म में वैसा हमें देखने को मिलेगा कुछ वैक्सीन? मैं कैसे बताऊं, मैं सब कुछ बताऊं। शब्दों में बयान करें, सिर्फ इमोशंस, ठीक है, चेहरे से आप बयान कीजिए कि जब विवेक सर ने आपको मूवी ऑफर की थी तो आपके एक्सप्रेशंस क्या थे? नहीं, मैंने पहले पूछा उनको मैं क्यों। मैं हमेशा, कोई भी डायरेक्टर आता है कोई कहानी के हमको चुनने के पहले, मैं कहता हूँ कि क्यों हम क्यों, मैं अगर मैं ना कहूँ तो किसको लोगे। तो मैंने विवेक को पूछा मैं क्यों, तो कहता है कि इसमें एक लाइन है जो कहनी है वो कन्विक्शन के साथ, और लोगों को लगे कि नहीं ये सही है, बराबर है, यस। तो वो लाइन थी इंडिया कैन डू इट। और जिस कन्विक्शन के साथ नाना तुम बोलोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिवा, तो मैंने कहा चलो यार तूने मुझे बहुत बड़ा बना दिया, मैं करता हूँ। रही बात पैसे की, मैंने कहा कितने दे पाओगे? इतने। अच्छा ठीक है, मैं नहीं तो मैं मेरे पैसे इतने हैं, नहीं दे तो नहीं कर पाओ। पहले सबसे पहले होती है कहानी, किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। अगर आपकी फिल्म कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ वो कुछ उठपटांग है, तो मैं पैसे ज़्यादा लूँगा। कुछ अच्छा कुछ कहना चाहते हो तो पैसे कम हो जाए। नहीं, सच्ची है ना कि जो नहीं अच्छा लगता, सही नहीं लगता अंदर से, मतलब स्वाभाविक तरीके से नहीं आता, वो करने में ज़रा दिक्कत होती है ना। तो एफर्ट ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा है, तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा उठाएंगे तो पैसे ज़्यादा लेंगे हम, हमाली ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ हमाली थी ही नहीं, यहाँ हम बह रहे थे बिल्कुल आसानी से, जिसको कोई दिक्कत नहीं हुई हमें करते वक्त। हम महसूस कर रहे थे कि हम वो है, और वो महसूस उसने करा दिया विवेक ने। हमें विवेक खुद इतना हैपर रहता है, ऐसा ना यार वो ऐसा उसका, मैं अभी भी मैंने कहा उसका दिमाग और जुबान सिंक्रोनाइज नहीं होती, उसको बहुत कुछ कहना होता है एक पल में, और वो इतना घुला हुआ था उसमें। तो हमें तो कोई मतलब फिर प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 6 घंटे के 8 घंटे के ऊपर मैं काम नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। लेकिन फिल्म ऐसी थी, वो जिस तरह से हो रहा था, तो 8 के 10 कब होते थे, 10 के 12 कब होते थे, 14 कब होते थे पता नहीं चलता था। थकान आती थी, लेकिन वो थकान के साथ एक बहुत खुशी आती थी, तो वो थकान वो सप्रेस हो जाती थी, खुशी उभर आती थी। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा पल आप शेयर करना चाहें जो यादगार पल हो आपका? मेरी पूरी फिल्म ही यादगार पल है, पूरी फिल्म। मैं वो मेरे जिंदगी के 2 महीने जो मैंने पहले जाके मैं रहा था, फिर आया, फिर वापस शूटिंग के लिए गया, तो मैं कभी भूल नहीं सकता। देखो फिल्में तो आती है जाती है चली जाती है, तो वो लम्हा है, वो वक्त है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा वो तुम्हें याद आएगा, तो वो वक्त आएगा। फिल्म तो तुम्हारे सामने है, तुम कभी भी देख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर जो रहता है वो तो वो ज़िंदगी का हिस्सा ही तो है। वो 2 महीने हमारे, जिस 2 महीने तो सिर्फ हमारे शूटिंग के, हमने मैंने कहा शूटिंग के जो है, लेकिन बाकी के जो हमारा है उस रोल के साथ तुमको जीना पड़ता है ना, रहना पड़ता है, तुम अपने आप को भूल के उसमें जाना पड़ता है। तो वो बहुत सुकून देने वाला था। और जब हमारे भार्गव साहब ने हमको कहा, मतलब भार्गव जी जिनका मैंने किरदार निभाया है,
कि मुझे बिना मिले मुझे हमने कभी बात नहीं की, ना तो कोई हमसे आपने कोई टिप्स नहीं लिए, ना तो देखा एक दूसरे को, बावजूद उसके आप इतने हूबहू कैसे ले गया? मैंने कहा यार वो हमारा डायरेक्टर है, उसने हमको जो बतवाया हमने कर दिया। तो क्रेडिट गोज टू अगर इफ एट ऑल इज देयर समथिंग इज गुड देयर, सो विवेक इज रिस्पॉन्सिबल। अगर गंदा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल। कब आ गया सर ये मूवी? 28 को जो फिल्म अच्छी लगेगी वो देखे, उसमें कोई फर्क ये वाला क्या अलग कंसेप्ट है वो जो है कि थोड़ी कम। देखो तुम्हें हम कितनी होटल्स है ना अगल बगल में, आपको जो खाना है वही जाके खाओगे ना, तो आपको जो अच्छा लगेगा उस फिल्म पर जाके देखोगे। जो भी मुझे तो मालूम भी नहीं कौन सी फिल्म आती है कौन सी जाती है। बहुत वक्त हो गया, हाल में गया था एक दो तीन थिएटर में छुपके से, लेकिन आज क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ता है ना। और मैं वहाँ मैं टिक पाऊँगा, ये मैं कर पाऊँगा, ये मैं सह पाऊँगा, तो अपने आप को टटोलना होता ही है ना। और कलाकार की उम्र नहीं होती, तुमको वक्त के साथ अपने आप को वहाँ तक उतने तो मुकाबले में फिर बाजू में रह जाओगे। चलो हटो दूर हो जाओ। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।